मेरे को इस आज की वीडियो हम आयुष्मान भारत के बारे में जानेंगे कि उसके महत्व क्या है ऑल अबाउट। ये न्यूज़ पे क्या था, द फैमिली यूटिलाइजेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ए बी पी एम जे वाई सर्विस स्टूड एट 46.7 फ्रॉम अक्टूबर 2019 टू सेप्टेम्बर 2021 अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी। क्या है देखिए, इसके लिए कोई फायदा लेते हैं आयुष्मान भारत के लिए। टाइप है 47% की, जैसा कि शहर में स्टेट एंड सेंटर दोनों का रहेगा। इसमें एम किया है टू होलिस्टिकली एड्रेस द हेल्थ सिस्टम कवरिंग प्रिवेंशन प्रमोशन एंड एम्बुलेटरी केयर्स एट ए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों के लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्सरी तीनों लेवल के लिए। टू कंपोनेंट क्या है देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसमें दो इसका कंपोनेंट है। बेनिफिट क्या है, तो कवर द 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, तो एक साल में 5 लाख देगा एक फैमिली को। पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, बेनिफिशियरी कैन बी टेक द कैशलेस बेनिफिट फ्रॉम एनी पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लांटेड हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री, तो कहीं भी ये पब्लिक हो या प्राइवेट दोनों में कर सकता है। इसका लिमिट दिया गया है अभी 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है इसका, टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखिए टू मीट द एसडीजी एंड इट्स अंडरलाइनिंग द कमिटमेंट टू व्हिच इज टू लीव नो वन बिहाइंड। तो स्ट्रेटेजिक साइलेंट फीचर थे क्या क्या इसमें देखो, बैकग्राउंड द फ्लैगशिप स्कीम फर्स्ट लॉन्च आर रिकमेंडेड बाई द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एंड टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो जो यूनिवर्सल विजन है उसको पता कैसे पाना है इनको। टू कंपोनेंट देखिए, एम इज टू डिलीवर द कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, दिस कंपोनेंट इज फंडेड थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन, इट कवर्स बोथ मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंक्लूडिंग द फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, इसमें दिया जाएगा। देखिए पीएमजे फॉर द सेकेंडरी टर्सरी केयर के लिए लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च इन 2018। इट इज द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड, पीएमजे इज ए सेंट्रलाइज स्पॉन्सर स्कीम, तो फंडिंग दोनों का रहेगा इसमें। इट वॉज अर्लियर ऑल्सो नोन एज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बिफोर बींग रिस्ट्रिक्टेड, पहले इसको मतलब नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम क्या जाता था, इसका नाम चेंज किया गया है। द हाउस होल्ड इंक्लूड आर बेस्ड ऑन रिप्राइव एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 फॉर रूरल एंड अर्बन रेस्पेक्टिवली, तो 2011 का सेंसस इसमें काउंट किया जाएगा जो भी हाउस होल्ड जो इंक्लूड है इसमें। इट्स द एग्जिस्ट ऑफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना विच इज बीन लॉन्च इन 2008, तो 2008 में लॉन्च किया था। दैट फॉर इज ऑल्सो कवर द फैमिली दैट वर कवर ऑफ RSBY बट आर नॉट प्रेजेंट इन द सेंसस 2011 डाटा बेस। अगर ये वही बोल रहा है, अगर कोई भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अगर इम्प्लीमेंट है बट वो 2011 में एड नहीं है, फिर उसको काउंट किया जाएगा। PMJAY इज फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंट इज शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आई होप आपको समझ आ गया, कुछ भी क्वारी है तो कॉन्सल्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू।